नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। किसानों के चक्का जाम के आह्वान के मद्देनजर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजाम सख्त हैं और इस दौरान बैरिकेडिंग भी की गई है। इस पर पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों की तरफ एक संदेश लिखकर टांग दिया है, इस पर किसानों की एंट्री को मना कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने मंडी हाउस, दिल्ली गेट, लाल किला, जामा मस्जिद, जनपद, केंद्रीय सचिवालय और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन सहित 10 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद कर दिए हैं। हालांकि स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा खुली रहेगी। किसानों के चक्का जाम के आह्वान के बीच कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए दिल्ली बॉर्डर सहित दिल्ली NCR के विभिन्न हिस्सों में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा को लेकर पुलिस इस बार कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। दिल्ली पुलिस ने सिंगो और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के स्पेशल इंतजाम किए हैं। कृषि कानून के खिलाफ बुलाया गया किसानों का चक्का जाम जारी है। यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक ये चक्का जाम बुलाया गया है। इसका असर दिखना शुरू हो गया है। किसानों ने सड़कों पर चक्का जाम लगा दिया है और पंजाब के अमृतसर और मोहाली में चक्का जाम का ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने शाहजहांपुर सीमा राजस्थान हरियाणा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया है। आज देश भर में किसान चक्का जाम कर रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों द्वारा किए गए चक्का जाम का समर्थन करते हुए ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अन्नदाता का शांतिपूर्ण सत्याग्रह देशहित में है। ये तीनों कानून सिर्फ किसान मजदूर के लिए नहीं, जनता व देश के लिए भी घातक है। राहुल गांधी ने इस दौरान लोगों से किसानों द्वारा किए गए चक्का जाम का पूर्ण समर्थन करने की अपील की। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ बेंगलुरु में भी किसानों ने चक्का जाम किया। बेंगलुरु में येलंका पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने आज हिरासत में ले लिया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल आज सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे। इस मौके नतमस्तक और वाहेगुरु के आगे अरदास की और इस दौरान सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के इशारों पर चल रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पर जमकर तंज कसा। वहीं सुखबीर बादल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा आज नदिया जिले में 2 दिवसीय बाइक रैली निकाली जा रही है। जन समर्थन यात्रा के नाम से निकलने वाली इस रैली को लेकर पुलिस से अनुमति मिल चुकी है। ऐसे में भाजपा के सामने बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिर उनकी यात्रा को अनुमति क्यों नहीं मिली। हालांकि इस लेकर भाजपा नेताओं के तेवर सख्त हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात हाईकोर्ट ने जिस सत्यनिष्ठा से काम किया उससे भारतीय न्याय व्यवस्थाएं और लोकतंत्र दोनों को ही मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात हाईकोर्ट की स्थापना के 61 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम मोदी इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे और इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जज गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। बिहार के पटना प्रमंडल में शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने के इरादे से एक नया फैसला लिया गया है। इसके मुताबिक अगर किसी मकान या दुकान से शराब बरामद होती है तो स्थानीय प्रशासन मकान और दुकान दोनों को ही जब्त कर देगा। पटना प्रमंडल के कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने अपने क्षेत्राधिकार के सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ एक बैठक कर सख्त निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।